सो ये है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का सबसे बेस्ट कोबल स्टोन फार्म, जो कि प्रोड्यूस करता है 1 मिलियन जिलियन क्वांटिलियन कोबल स्टोन पर आवर, पर सेकेंड। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हे गाइस, तो आज मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में 1.20 का बिगेस्ट एवर कोबल स्टोन फार्म बनाने वाला हूँ, जिससे कि हम लोग को कभी भी कोबल स्टोन का कमी नहीं पड़ेगा। अबे साले, तूने तो बोला था कि नेदरराइट बीकन बनाऊंगा, कहाँ पे है नेदरराइट बीकन, कहाँ पे है? अरे आराम से भाई, आराम से। जब मैंने बोला है कि नेदरराइट बीकन बनाऊंगा तो पक्का बनाऊंगा, और ये फार्म मैं क्यों बना रहा हूँ वो भी आप लोग को आने वाले वीडियो में पता चल ही जाएगा। खैर, आप लोग फटाफट से इस वीडियो में 1 मिलियन लाइक का गोल कम्प्लीट कर देना। चलो छोड़ो, मुझे बस ये देखना है कि आप लोग इस वीडियो में हाईएस्ट कितने लाइक कर सकते हो। और वैसे हम लोग 10K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप लोग से इस मुर्गी का नाम भी पूछा था, और आप लोगों ने बहुत ही सही सही नाम दिए थे, लेकिन उनमें से एक ही नाम मुझे अच्छा लगा, हर्षु रानी। माफ कर देना हर्षु, लेकिन ये नेम शायद तेरे ही कोई सब्सक्राइबर ने दिया होगा मुझे। वैसे इसमें हर्षु का ही सौभाग्य है, किसी बहाने मेरे वीडियो में तो आप आया। तो गाइज, यहाँ पे मैंने लगभग सारा मैकेनिकल सामान जमा कर लिया है। मैकेनिकल बोले तो रेडस्टोन वगैरह का सामान, लेकिन आप लोग को पता है ये सामान बस 50% है। हम लोग को और 50% सामान जमा करना होगा, लाइक ढेर सारे ऑब्सीडियन, ढेर सारे बिल्डिंग ब्लॉक, ढेर सारी ग्लास ब्लॉक और भी बहुत कुछ। तो चलिए फटाफट से सारा सामान जमा करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पे ढेर सारे ऑब्सीडियन जमा करने के लिए अपने प्यारे एंड में आ गया हूँ। अब ये प्यारा नहीं रहा गाइज। और अगर आप लोग को जानना है कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ, तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो जाके देख लेना, आप लोग को पता चल जाएगा। और बाय द वे, अगर आप लोग हमारे एंड वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बहुत ही अच्छा सा, तो आप मैंने ढेर सारे सल्कर चेस्ट तो बना लिए, लेकिन उनमें भरने के लिए भी तो सामान चाहिए ना। तो चलिए फटाफट से ढेर सारे सैंड जमा करते हैं ग्लास बनाने के लिए। One hour later. तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नर्क में भी जाना पड़ा था, क्योंकि हम लोग को सैंड को स्मेल्ट करने के लिए कोल चाहिए, और मेरे पास कोल का एक टुकड़ा भी नहीं था, तो मैं नेदर से ले आया। अब कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे कि अबे नेदर में कोल कहाँ मिलता है, तो मैं उनको बोलूंगा कि विदर स्केलेटन फार्म में मिलता है भाई। तो गाइज, मैं यहाँ पे अपने मॉडर्न हाउस में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे फर्नेस हैं। तो चलिए फटाफट से सारे फर्नेस में सैंड और थोड़ा सा कोल डाल देते हैं। सबको कोल मिलेगा, सब कोई लाइन पे खड़े रहो अच्छे से। अरे तूने लाइन कैसे तोड़ा भाई? और कोई भी अगर चालाकी करके ज्यादा कोल लिया तो फेंक दूंगा उधर जाके। जब तक वहाँ पे ग्लास बन रहा है, तब तक हम लोग इस जगह को थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को एक बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए, क्योंकि वो लिटरली में बहुत ही बड़ा फार्म होने वाला है। The next day. Okay, तो मैंने इस एरिया को पूरा क्लियर कर दिया, और कुछ इस टाइप का आउटलाइन। आग लगा दी। छोड़ो गाइज, नीचे से ही दिखाता हूँ। ओके गाइज, तो मैं जिस बॉक्स पे खड़ा हूँ, और ये जो आप लोग को सारे बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे 11x11 के होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक 11x11 का आउटलाइन बना लेना है। देन हम लोग को ये मिडिल वाले ब्लॉक्स भी गायब कर देने हैं। उसके बाद हम लोग को इसको एक और ब्लॉक डीप ले जाना है। देन हम लोग को सभी कोनों में कोई भी एक टेम्पररी ब्लॉक लगाना है, क्योंकि कोनों में ही छुपा रहता है जानलेवा मच्छर। और अब हम लोग को इन ब्लॉक के ऊपर एक बाल्टी करके पानी डाल देना है। और सभी कोनों में पानी डल जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बीच में एक प्लस टाइप का निशान मिलेगा, तो हम लोग को यहाँ पे बीचों बीच एक हॉपर फिट कर देना है। अब हम लोग को एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के पूरा पानी पानी कर देना है। पानी पानी हो गया।
ओके तो अब हम लोग को दो टेम्परेरी ब्लॉक कुछ इस टाइप से लगाना है, देन हम लोग को इसके ऊपर एक ऑब्सीडियन लगा देना है और हम लोग को दोनों टेम्परेरी ब्लॉक को तोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारे हॉपर के ऊपर एक ऑब्सीडियन आ जाएगा। ऑब्सीडियन कहा होता है वे? ऑब्सीडियन। अब हम लोगों ने कोनों में जो टेम्परेरी ब्लॉक लगाए थे पानी डालने के लिए, सबसे पहले हम लोग को वो तोड़ देना है। अब हम लोग को चारों तरफ से दो ब्लॉक डीप ऑब्सीडियन से कवर कर देना है। देन हम लोगों ने हॉपर के ऊपर जो ऑब्सीडियन लगाया था उसके ऊपर हम लोग को 12 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक 3x3 बना लेना है और हम लोग को इस 3x3 को चारों तरफ से स्टेयर से घेर देना है। अब हम लोग को क्या करना है कि सभी स्टेयर्स के ऊपर एक एक बाल्टी पानी डाल देना है। आज ब्लू है पानी 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 और दिल भी सानी सानी सानी। ओ, हो गया। अब हम लोग को ये बीच वाला ब्लॉक तोड़ते हुए थोड़ा सा नीचे जाना है, ऐसे गोदे गोदे तो मैं पाताल लोक में चल जाऊंगा। देन हम लोग को यहाँ पे नीचे फेस करते हुए एक डिस्पेंसर लगा देना है और इसको हम लोग को ग्लास से ढक देना है। उसके बाद हम लोग को बाकी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़ देना है और क्या ही गधा हूँ मैं कि स्वॉर्ड से तोड़ रहा था। अब हम लोग को स्कैफोल्डिंग की मदद से यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है। देन हम लोग को थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे हम लोग को नीचे फेस करते हुए एक पिस्टन लगा देना है कुछ इस टाइप से। देन हम लोग को यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसको पूरे चारों तरफ से पिस्टन से कवर कर देना है। बस हम लोग को कोनों में बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है कोई भी। उसके बाद हम लोग को पिस्टन के नीचे दो ग्लास ब्लॉक लगाने हैं कुछ इस टाइप से और हम लोग को पीछे वाला ग्लास ब्लॉक तोड़ देना है। उसके बाद हम लोग को इसके लेफ्ट और राइट में दो दो ग्लास ब्लॉक कुछ इस टाइप से लगा देना है। देन हम लोग को इसको एक ऊपर में घेर देना है पूरा। उसके बाद हम लोग को नीचे से एक और ग्लास का लेयर ऐड कर देना है। तो अब हम लोग को ये ऊपर का ग्लास का लेयर हटा देना है, बेसिकली ये 2 ब्लॉक डीप बन जाएगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे 3 टेम्परेरी ब्लॉक कुछ इस टाइप से लगा देना है और हम लोग को बीच वाले ब्लॉक में लावा प्लेस कर देना है ताकि यहाँ पे लावा पूरे में फैल जाए। उसके बाद हम लोग को टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देना है और हाँ, आप लोग को एक बार डुबकी भी मारना है लावा में, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। मीनवाइल ओके तो अब हम लोग को यही सेम चीज चारों तरफ में कर देना है। तो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। 12 seconds later ओके तो अब आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मैंने इसको चारों तरफ से एकदम कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग को सभी पिस्टन के ऊपर रेडस्टोन बिछा देना है। ओके तो अब हम लोग को किसी भी खोपचे में किसी भी कोने में आ जाना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक रेडस्टोन क्लॉक बनाना है। तो देखो हम लोग को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद हम लोग को बाहर वाले ब्लॉक में एक रेडस्टोन टॉर्च लगा देना है। उसके बाद हम लोग को ये अंदर वाले ब्लॉक में एक रेडस्टोन रिपीटर लगा देना है और इसको हम लोग को फुल टिक में सेट कर देना है। उसके बाद इस जगह पे हम लोग को एक लेवर लगाना है और यहाँ पे रेडस्टोन लगाते ही हमारा कोबलस्टोन बनना शुरू हो जाना चाहिए। और वेट, ये सब मैंने तोड़ा ही नहीं, प्लीज यार कुछ गड़बड़ मत होना, प्लीज बहुत मेहनत लगा है, प्लीज यार मेरे सारे उल्टे उल्टे काम है। चलो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ये सारे जो स्टोन वगैरह हैं ये सब नीचे आ रहे हैं पिस्टन के जरिए। ओके तो यहाँ पे कोबलस्टोन बनने का प्रक्रिया तो बहुत ही सही से हो गया। अब हम लोग इसको तोड़ने का इंतजाम करना होगा। तो देखो हम लोग को ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ इस टाइप का सीढ़ी टाइप का बना लेना है। देन हम लोग को इसको 8 ब्लॉक तक एक्सटेंड करना है और हम लोग को इसको डबल भी कर देना है। ओह, मैं और मेरे दोस्त तो सिंगल ही मरने वाले हैं, कम से कम इसको तो डबल कर दूं। उसके बाद हम लोग को एकदम लास्ट में रेडस्टोन लगाना है और पूरे में हम लोग को रिपीटर लगा देना है और इसको फुल टिक में कर देना है। देन हम लोग को इस रेडस्टोन को डिस्पेंसर से भी जोड़ देना है और ये हम लोग को क्राउच करके लगाना होगा, नहीं तो लगेगा नहीं। अब हम लोग को डिस्पेंसर के अंदर जाते हुए यहाँ पे एक हॉपर लगाना है और हॉपर के ऊपर हम लोग को एक चेस्ट लगा देना है, बेसिकली इसके अंदर ही हमारा TNT सब आएगा। और इस फार्म को ऑन करने के लिए हम लोग को इस जगह में एक लेवर लगाना है और इसको हम लोग को जल्दी से ऑन ऑफ कर देना है, तो यहाँ पे हमारा फार्म काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके अभी तो बस ये एक फार्म है, अब हम लोग को ऐसे ही 3 और फार्म बनाने हैं, मतलब हालत एकदम खराब होने वाला है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ।
much later. Alright guys, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली यहाँ पे हमारे सभी फार्म एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब सभी फार्म को एक साथ ऑन कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका तबाही। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे सभी फार्म को ऑन कर दिया और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि सभी फार्म एकदम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। लेजिट यार, इतना खुशी हो रहा है ना जब इतना मेहनत करने के बाद हमारा मेहनत सफल हो जाता है, तब बहुत ही ज्यादा खुशी होता है। और मैंने यहाँ पे अभी एक मिनट भी ऐप के नहीं किया और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि दोनों चेस्टों में हमारे दो दो स्टैक करके हो भी गया। मतलब भाई साहब, ये फार्म कितना ज्यादा एफिशिएंट है, आप लोग इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हो। ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। फार्म को बनाना उतना हार्ड नहीं था, लेकिन आप लोग को समझाते हुए बनाना बहुत ही ज्यादा हार्ड था, तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।